हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में जिस कैमरे को हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक कैनन का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग कैमरा है गाइस। और ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, चाहे आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हो, और फोटोग्राफी के लिए भी ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है गाइस। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ कैनन 200D कैमरा की गाइस। तो गाइस वीडियो को अभी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस ये कैमरा लॉन्च हुआ था 2017 में, तो उस हिसाब से 5 साल पुराना ये हो चुका है। लेकिन 5 साल पुराना होने के बावजूद भी आज की तारीख में भी जो आप इससे वीडियो की क्वालिटी निकाल सकते हो, जो आप इससे फोटो की क्वालिटी निकाल सकते हो, वो 1 लाख या 1.5 लाख के जो लेटेस्ट मिररलेस कैमरा आ रहे हैं उनकी टक्कर की है गाइस। इसमें आपको 24 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है और 9 ऑटोफोकस पॉइंट है इस कैमरा में, और वीडियो में आपका इसमें डुअल पिक्सल ऑटोफोकस है गाइस। साथ में आपको मिल जाती है फ्लिप आउट स्क्रीन और ये आपकी टच स्क्रीन है गाइस। और वीडियो में क्योंकि इसमें आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है तो फोकसिंग इतनी ज़्यादा शानदार है। अगर मैं वीडियो में इधर से उधर मूव कर भी रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ, हमेशा ये मेरे चेहरे को फोकस में रखेगा और फोकस हंटिंग नहीं होगी। और अगर आप STM वाले लेंसेज यूज़ कर रहे हो इस कैमरा के साथ तो फोकस का नॉइज भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट साइलेंट आपका रहेगा फोकसिंग, तो वीडियो मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा है। साथ में आप इसमें अलग से एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हो, तो अलग से आपको ऑडियो बढ़िया वाली कैप्चर करनी है तो बहुत ही अच्छा कैमरा है ये गाइस। उसके अलावा इसमें आप फुल HD में वीडियो शूट कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकेंड तक, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। क्योंकि YouTube में आज की तारीख में अगर हम इंडिया की बात करें, अधिकतर वीडियोज आपको फुल HD में मिलती है, और फुल HD वीडियो की जो इससे क्वालिटी निकल के आती है वो बहुत ही शानदार है गाइस। उसको आप 4K में भी कन्वर्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर से, और फिर आप उसे YouTube वगैरह में अपलोड कर सकते हो गाइस। अब अगर हम इसके फोटोग्राफी वाली चीज़ों की बात कर लें तो इसकी ISO की रेंज है 100 से लेके 25,000 तक, जिसको कि आप एक्सपेंड करके 51,000 तक ले जा सकते हो। तो लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ISO रेंज इसकी बहुत ही शानदार है गाइस। अगर हम इसके फ्रेम पर सेकंड की बात करें तो ये आपका 5 फ्रेम पर सेकंड में कंटिन्यूस मोड में फोटो शूट कर सकता है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्योंकि कुछ कैमरों में आपको सिर्फ 3 या 3.5 ही मिलता है, तो 5 काफ़ी अच्छा है। स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ एक्शन फोटोग्राफी के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 5 में आप लैंडस्केप फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, आप इससे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, स्टूडियो के अंदर फोटोग्राफी बहुत अच्छे से कर सकते हैं गाइस। और अगर वजन की बात करें तो यार बहुत हल्का है, 450 ग्राम इसका सिर्फ वजन है, बहुत लाइट वेट है, यूज़ करने में बहुत ही इजी है, जैसे कि कैनन के सभी कैमरा होते हैं। होल्ड करने में बहुत अच्छा है, आप हाथों में होल्ड करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी फील आती है, आपको लगता है कि आपने कोई कैमरा होल्ड किया हुआ है गाइस। उसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ वाईफाई भी मिल जाता है, तो अगर आपके पास कैनन वाली ऐप है आपके स्मार्टफोन में तो आप उस स्मार्टफोन से इस कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आप सारी फोकसिंग वगैरह कर सकते हो, फोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन में, वीडियो को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, कैमरे के थ्रू क्या दिख रहा है वो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन में देख सकते हो। तो इस हिसाब से ये कनेक्टिविटी फीचर्स बहुत ही अच्छी हैं इस कैमरा में गाइस। उसके अलावा गाइस आपको इसमें टाइम लैप्स वीडियो बनाने का ऑप्शन भी मिल जाता है कैमरा बॉडी के ही अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर है, क्योंकि ये फीचर्स आपको थोड़े महंगे कैमरों में मिलती है। उसके अलावा एक्सपोजर ब्रैकेटिंग भी है इस कैमरा में, तो अगर आपको मल्टीपल एक्सपोजर के डिफरेंट शॉट्स लेने हैं और बाद में उन्हें कंबाइन करके एक हाई डायनेमिक रेंज वाला फोटो बनाना है तो वो भी आप इस कैमरा से कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस कैमरे को एज अ वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या आप यूट्यूब के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो आप इस कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बहुत ही अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर आपको इस कैमरा में मिल जाती है गाइस।
उसके अलावा अगर हम इसकी डायनेमिक रेंज की बात करें तो इसकी डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है। 13.2 इसकी आपकी डायनेमिक रेंज मिल जाती है, जो कि काफ़ी सारे इवन इससे महंगे कैमरों से बेहतर है। अगर आप इसको कैनन EOS RP जो आपका फुल फ्रेम कैमरा है उससे कंपेयर करें तो उसमें आपको सिर्फ 11 मिलती है डायनेमिक रेंज, और इसमें आपको 13 से ऊपर मिल जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको इस कैमरा में मिल जाती है। अगर हम इस कैमरे को कंपेयर करें कैनन 800D से और कैनन 77D से, तो इन तीनों में आपको एग्जैक्टली सेम इमेज क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि तीनों कैमरों में आपको सेम सेंसर मिल जाता है। गाइस, इसके ऊपर मेरे चैनल पे आपको जल्दी एक वीडियो भी देखने को मिल जाएगी जिसमें मैंने इन तीनों कैमरों को कंपेयर किया है, कैनन 200D, कैनन 800D और कैनन 77D। मेन डिफरेंस उनमें सिर्फ बाकी चीज़ों का हो जाता है, जैसे आपको 800D में जो कार्ड स्लॉट है वो साइड में डालने का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको कार्ड नीचे से जो बैटरी कंपार्टमेंट है यहाँ से डालना पड़ता है। इसमें आपको बटन ना थोड़े छोटे मिलते हैं, 800D में आपको थोड़े बड़े मिल जाते हैं, और बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। और 77D में आपको ऊपर में एक टॉप LCD स्क्रीन मिल जाती है अपनी सेटिंग्स वगैरह को देखने के लिए। पर ये तीनों कैमरे एग्जैक्टली एक जैसे हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है इमेज क्वालिटी में। इस वाले में आपको 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं फोटोग्राफी में, 800D में आपको मिल जाते हैं 45 ऑटो फोकस पॉइंट, और 77D में भी। तो उसमें आपका फोटोग्राफी में थोड़ा बेहतर काम करेगा। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो सब्जेक्ट की तो वो थोड़ा बेहतर करेगा, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट इधर से उधर मूव नहीं कर रहा है, आप ट्रैकिंग नहीं करते हो, तो फोटोग्राफी में आप इससे भी बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हो। क्योंकि आपको करना क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट पे लॉक करना है फोकस और फोटो को क्लिक करना है। उसके लिए 9 ऑटो फोकस पॉइंट तो क्या, सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी क्योंकि तीनों में सेम सेंसर है तो इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी एग्जैक्टली सेम निकल के आएगी, और वीडियो में क्योंकि तीनों में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल रहा है तो एग्जैक्टली सेम आपको वीडियो क्वालिटी मिलेगी गाइस। अब गाइस इससे लिए हुए कुछ सैंपल फोटोज मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि कितनी बेहतरीन ये फोटोज ले सकता है गाइस। और ये जो फोटो मैंने लिए हैं ये मैंने 50mm f/1.8 वाला लेंस को यूज़ करके लिए हैं, और मैंने 1.8 का एपर्चर नहीं यूज़ किया क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द फोटोज 2.8 के एपर्चर को सेट करके लिए हैं, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे फोटो निकल के आए हैं। इनमें कोई भी मैंने एडिटिंग नहीं की है, तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे एग्जैक्टली जैसे कैमरा ने फोटोज को क्लिक किया एज इट इज़ मैंने इस वीडियो में डाल दिया, तो कितने प्यारे कलर्स निकल के आए हैं। शार्पनेस आप देखिए, और डायनेमिक रेंज भी इसकी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप रॉ में फोटो को शूट करोगे तो आप उस डायनेमिक रेंज से हाईलाइट्स और शेडोज को और ज़्यादा रिकवर करके फोटो को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो गाइस। तो फोटोग्राफी में भी मैं इस कैमरे को 9 out of 10 दूंगा। एक नंबर मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए काट रहा हूँ कि इसमें आपको जो थोड़े बटन्स वगैरह हैं वो थोड़े छोटे मिलते हैं, तो कई बार आपको हल्का सा सेटिंग वगैरह एडजस्ट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप हर रोज इस कैमरे को यूज़ करोगे, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये ही कैमरा है, तो तब आपका हाथ इस पर इतना बेहतरीन सेट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप 10x10 नंबर भी इसको फोटोग्राफी में दे सकते हैं गाइस। अब मैं इससे ली हुई वीडियो का सैंपल स्क्रीन पे डाल देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि इससे हम कैसी वीडियो बना सकते हैं गाइस। और गाइस मेरे चैनल में अगर आप कुछ मेरी पुरानी वीडियो जाके देखोगे तो वो वीडियोस मैंने इसी वाले कैमरे से बनाई हुई है, और साथ में मैं या तो 40mm f/2.8 वाला STM लेंस यूज़ करता हूँ या फिर 50mm f/1.8 वाला लेंस यूज़ करता हूँ। तो आप उन वीडियो को देख के भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कैमरे से कैसी वीडियो बन सकती है। वीडियो में यार ऑटो फोकस की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि इतना बेहतरीन ऑटो फोकस इसका होता है, इतना स्मूथली ये ट्रांजिशन करता है ऑटो फोकसिंग में, और नॉइज़ तो बिल्कुल करता ही नहीं है, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो है इसमें। तो गाइस देखो कैसा वीडियो सैंपल आता है इससे। हेलो गाइस, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो डायरेक्टली कैनन 200D कैमरा से है गाइस, और मैंने अभी जो लेंस लगाया हुआ है वो है आपका 50mm f/1.8 वाला STM लेंस गाइस, और बहुत अच्छा लेंस है। आप देख सकते हैं इमेज क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी कैसी इस कैमरे से आपकी निकल के आती है। ऑटो फोकस इसका बहुत ही अच्छा है, इस कैमरे में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है गाइस, और आप देख सकते हैं कलर्स और बाकी सारी चीज़ें कितने अच्छे से निकल के आ रही है गाइस।
अब हम एक बार इसके ऑटो फोकस को टेस्ट कर लेते हैं। ये जो सामने पेड़ है इसके ऊपर मैं फोकसिंग करूंगा और देखते हैं हमें बैकग्राउंड ब्लर कैसा मिलता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा है। मैंने f2.8 का एपर्चर अभी यूज़ किया है। अगर मैं 1.8 का एपर्चर यूज़ करूंगा तो मुझे और भी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा गाइस। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे मैंने फोकस किया और वापस से इस पेड़ के ऊपर मैं फोकस करता हूँ और फोकस हंटिंग का बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। बहुत ही स्मूथली कैमरा फोकस कर रहा है। इस रिव्यू में हम इस लेंस की भी टेस्टिंग कर रहे हैं। 50mm f/1.8 वाला जो STM लेंस है इसकी भी टेस्टिंग हो रही है और साथ में इस कैमरा की भी टेस्टिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कलर्स और बाकी सारी चीज़ें कितने अच्छे से निकल के आ रही है। इस पेड़ के सारे डिटेल आप देख सकते हैं कितने अच्छे से निकल के आ रहे हैं। मैं इसके और करीब जाता हूँ तो आप देख पाएंगे हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से नज़र आ रही है। अब गाइस इस कैमरा का क्लोजअप में व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा दिखता है गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं पीछे से ये कैमरा दिखने में ऐसा है। आपको पूरी फ्लिप आउट स्क्रीन मिल जाती है जिसको कि आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी फीचर है इसमें। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट बटन्स मिल जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया बटन थोड़े छोटे हैं अगर आप इसको 800D से कंपेयर करो, बट आप डेली इसको यूज़ करोगे तो आपका हाथ ईजिली सेट हो जाएगा गाइस। अगर हम इसको टॉप से देखें तो आपको ऊपर में जैसा कि कैनन के सभी कैमरा में होता है एक मोड टायल मिल जाता है गाइस। उसके अलावा ये वाला आपका ऑन ऑफ और वीडियो और फोटोग्राफी वाले मोड में स्विच करने के लिए इन्होंने ये स्विच दे दिया है। ये थोड़ा छोटा है, अगर आप 800D या 77D की बात करो उसमें आपको काफ़ी बड़ा ये मिल जाता है। तो इसमें कई बार आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं ऑफ पे हूँ, मैं वीडियो मोड पे हूँ या फोटो मोड पे हूँ, बट डेली यूज़ करोगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा गाइस। उसके अलावा ये आपको डिफरेंट बटन्स मिल जाते हैं और ये आपको एक सिंगल डायल इसमें मिलता है जिससे कि आप अपना शटर स्पीड, एपर्चर और बाकी सेटिंग्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो गाइस। पीछे में ये वाला जो बटन है आप देख सकते हैं इसको दबा के आप लाइव व्यू को ऑन करते हो और अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट या स्टॉप करना है वो भी आप इसी वाले बटन से करते हो गाइस। इस तरफ आपको मिल जाता है माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। और दूसरी तरफ आपको मिल जाता है अगर आपको इसको लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो USB पोर्ट और HDMI पोर्ट आपको इस तरफ मिल जाता है गाइस। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं USB पोर्ट और HDMI पोर्ट आपको मिल जाता है इधर। और अगर हम SD कार्ड को डालने की बात करें तो इस कैमरे में आपको SD कार्ड डालने का स्लॉट मिलता है बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये एक चीज़ मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि अगर मैं कैमरे को एक बार ट्राईपोड पे सेट कर देता हूँ तो मुझे कैमरे को पूरा का पूरा ट्राईपोड से उतारना पड़ता है SD कार्ड को निकालने के लिए। अधिकतर कैमरों में आपका SD कार्ड यहाँ पे साइड में स्लॉट होता है, यहाँ से आप उसको खोलो दरवाजे को और अपना SD कार्ड को निकाल दो। तो इस कैमरे में ये एक मेरे को थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। सामने से आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखता है, देखिए 200D इसमें लिखा हुआ है और लेंस भी एकदम बढ़िया कंडीशन में है इसका। ये आपका शटर बटन हो गया जिसको दबा के आप फोकसिंग करते हो और फोटो वगैरह को क्लिक करते हो गाइस। अब गाइस बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन, कितने प्राइस में ये कैमरा आपको मिल सकता है और क्या ये कैमरा आज की तारीख में आपके लिए लेना बढ़िया डील रहेगा या नहीं। तो गाइस 25,000 के आसपास में अगर आपको ये कैमरा मिले तो काफ़ी अच्छी डील रहेगी। 18-55 वाले किट लेंस के साथ अगर आपको मिल रहा है, अगर कोई आपको 27,000 में भी ये दे रहा है तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा अगर इसका शटर काउंट कम है और कैमरा अच्छी कंडीशन में है। क्योंकि इस कैमरा से इवन आज की तारीख में भी आप एकदम बेहतरीन फोटो ले सकते हो क्योंकि काफ़ी नया कैमरा है, क्योंकि पिछले 5 साल में इतना भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आया सेंसर में। जो सेंसर आपको इस कैमरा में मिल रहा है वही सेम सेंसर आपका M50 वाले कैमरा में भी होता है और वही सेम सेंसर आपका 90D वाले कैमरा में भी यूज़ हो रहा है। तो आपको बेसिकली इस सस्ते कैमरे से वही सेम इमेज क्वालिटी मिल रही है जो आपको एक महंगे मिररलेस कैमरा जैसे कि M50 से मिल रही है। M50 इससे नया लेकिन उन्होंने सेम वही सेंसर यूज़ किया है, तो आपको सेम इमेज क्वालिटी इससे मिलेगी और सेम आपको इससे वीडियो क्वालिटी मिलेगी। तो उस हिसाब से इवन आज की तारीख में भी आप इसको लोगे 25-26 हज़ार में आपको ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छी डील रहेगी। इससे आप व्लॉगिंग कर सकते हो या व्लॉगिंग में यह आपके चेहरे पे एकदम बढ़िया फोकस रखेगा
बिल्कुल भी फोकस इधर से उधर नहीं होगा। आप YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हो, उसको ट्राइपॉड पे लगा के आप बढ़िया वीडियो बना सकते हो। आपको सिनेमेटिक वीडियो बनानी है, प्रोफेशनल लेवल की वीडियो बनानी है, वो भी आप इससे कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें अलग से माइक को अटैच कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी फीचर्स आपको इस कैमरा में मिल जा रही है, जो कि आपको 1 या 1.5 लाख रुपए के कैमरा में मिलेगी। तो उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से ये आज की तारीख में सबसे बेस्ट कैमरा है। जिस पैसे में जितनी फीचर्स ये कैमरा आपको देता है, शायद ही कोई कैमरा दे पाएगा। अगर आपके पास ये एकमात्र कैमरा है, इससे आप सारे काम करवाओगे, फोटोग्राफी में भी नंबर वन और वीडियोग्राफी में भी ये कैमरा आपके लिए नंबर वन रहेगा गाइज। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना गाइज। और इस कैमरे का जल्दी ही फुल ट्यूटोरियल भी चैनल पे आएगा, तो आप उसको भी चेकआउट करना। आप उसे देख के कैसे आपको ये कैमरा यूज करना है, क्या बेस्ट सेटिंग्स रहेंगी वीडियो और फोटोग्राफी के लिए, आप सब चीजें सीख पाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइज, हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।